अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोजम खान और आप देख रहे हैं MK Vlog। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये माता जीम भाई और ये प्यार से मान कहते हैं और ये अपने तलहा भाई सारे मिल रहा। तलहा इधर बैठो, तलहा नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, वीडियो बनाओ। नहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर एक मिनट, ठीक है इधर ही वीडियो बनेगी यार। जीम साहब पूछो ये ईसा क्यों नहीं मिल रहा, एक मिनट, ईसा नहीं मिल रहा तुझे दे रहे आप सारे हिस्सा लै रहे भरा तेरा अब्बा सब सारे आछू नहीं तेरा घर खरीद रहे सब हिस्से मिल रहे तेन क्यों नहीं मिल रहे बाजू खराब हुआ उपर फुल बोतल फिर एक बोतल फुल सीधी कर इंज सीधी करो ऐसे ऐसे सीधी करो ओए लाला दी जान तला जा तला ये तो फिर नाटक है ना ऐसे करने का हैं ऐसे करने का अगर तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे ये तो नाटक का भी है बाजू नहीं सही इधर आओ इधर आ जरा हड्डी चेक कर इसकी तो वाकई हड्डी नहीं है भाई क्या है यार जमर जमर यार गाइस कल से मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है और आज ना आज है जुम्मा और आज जुम्मे में 8 बजे के बाद ईशा की नमाज के बाद महफिल है उमर सुलेमान रजा कादर उमर सुलेमान ये 8 अक्टूबर रोज जुम्मा बाद नमाज ईशा हम तो जाएंगे बड़ी अच्छी बातें करता है यार बाहर बैठा हूँ ना जो आ रहा है देख के जा रहा है जो आ रहा है देख के जा रहा है कभी देखा नहीं कोई प्यारा लड़का बैठा हुआ है तो कुर्सी नहीं मुझे देख के जा रहा है भाई ये भी छोटा सा बच्चा ना आपको अभी शायरी सुनाता है चल यार सुना जौन सी कबाड़ी वाली चीजें होती हैं तो टूट फूट जाती हैं वापस भी नहीं आती जौन सा अपना दिल होता है ना ये टूट गया ना ये कभी भी नहीं वापस भाई ये मेरे साहबों ने फल फ्रूट वाली दुकान लगाई हुई है और इनसे पूछते हैं ये चीज़ों का कैसा भाव क्या ये अपने साहबू हैं साहबू ये जापानी फल है और ये अनार ये केले और सेब पड़े हुए हैं साहबू ये आचू, आचू, इसका क्या भाव चल रहा है जापानी फल का 100 रुपये किलो चल रहा है 100 रुपये किलो इसका चल रहा है और साथ अनार का अनार 150 है 150 और ये अंगूर मेरे ख्याल से महंगे होंगे ज़्यादा अंगूर कोई नहीं हम 150 रुपये किलो दे रहे हैं 150 रुपये किलो और पाव 40 रुपये और सेब सेब 150 रुपये किलो 150 रुपये किलो केले 60 रुपये वो सुबह टाइम तो 70 रुपये ले पड़े हुए थे वो मैंने अब 60 रुपये 60 कर दिए 60 वाले बिके हुए हैं आज जुम्मा था सोशल वर्क में डालनी थी और ना ऊपर से 2 बजे जुम्मा होता है यहाँ पर तो 1:15 बजे लाइट चल गई मैंने कहा कैसे कवर हिस्ट्री करेंगे कपड़े ना होना चाहिए होता है पर फिर नहाया तो मैं सुबह से स्कूल जाते हुए नहा लिया था मैंने तो मैंने कपड़े डाल दिए फिर घर आके तो अभी शुरुआत में इस्त्री करने वाली थी मैंने फिर अपनी ये पैंट शर्ट डाली मैं कब जुम्मा पढ़ते हैं तो अब तो लाइट आ रही है तो अभी नहा कर शुरुआत में डाल दे फिर मैं गाइस अब मैं हो गया तैयार शुरुआत में मैं डाली है अब चलते हैं मस्जिद में देखते हैं अभी वो क्या सूरत हाल है अभी आया कि नहीं
गाइस अब मैं हो गया तैयार, शलवार भी मैंने डाल लिया, अब चलते हैं मस्जिद में, देखते हैं वो मौलाना साहब आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो गाइस हम आ गए फिलहाल, ये फिलहाल मस्जिद है यहाँ पर, ये मैं अपनी होड़ी है अंदर, मैं घड़ी जाता हूँ मैं अंदर, देखो क्या सुन क्या अंदर आ गया। लेकिन ये है क्योंकि प्रोग्राम था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजमाइश होती है जिसमें प्रोग्राम दिया है। ठीक है, मैं अब आ गया मस्जिद से वापस, और आपको लग रहा होगा कि पहले मैं ब्लू सूट में था और अब मैं पिंक सूट में ही हूँ। वो जिसको प्यार से मानी कहते हैं ना, उसके घर में बुलाने गया हूँ कि आज वो महफिल पर चलें, उसने ऊपर से मेरे पे पानी फेंक दिया, उसे पता नहीं लगा कि मैं नहाकर कपड़े दूसरे पहन के आया हूँ महफिल के लिए, उसने मेरे पे पानी फेंक दिया, फिर उसकी वजह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, तो इसलिए मैंने पिंक सूट डाल लिया। मैंने कब ये पड़ा हुआ तो मेज इसी करनी थी, नीचे तो उसके ही वाइट पजामा था और इसके नीचे ही वाइट पजामा है, वो गीला नहीं हुआ था पर वो कमीज थोड़ी गीली हो गई थी, काफ़ी हो गई थी, कमीज पजामा थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा चलो उसकी तो खैर वो कमीज डालता हूँ और महफिल के लिए चलता हूँ। तो टाइम से मैं गया बिल्कुल फिक्स टाइम पर गया, जब मैं गया फ़ौरन मौलाना साहब आ रहा था, 9 बजे का टाइम पर वो आए थे 9:30 बजे की तरफ, 10:30 बजे आए थे शायद, तो 10:30 बजे आए थे, चले भी घंटा बस आए थे और 11:30 बजे चले गए थे। और जिस मस्जिद में महफिल थी ना, तो वो पहले मस्जिद ना शहीद कर दी गई थी, तो दोबारा उन लोगों ने फिर मस्जिद सही की थी, और उसके बाद से ना उन लोगों ने सही करके फिर महफिल दिलवाई थी। अगर तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब पहले प्रेस कर, नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।